है वो एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीडर भी हैं और पीजेंस की फ़ीड के न्यूट्रिशनिस्ट भी आई न्यूट्रिशनिस्ट मतलब के गजाई नॉलेज रखने वाला बंदा तो पूरा फार्मूला स्केच फॉर्म के अंदर बना के दे दूंगा दूसरा उससे पहले मैंने आपसे वादा किया था कि आपको इस तरह की फीड बनाना सिखाऊंगा कि आप खुद बनाना सीख सकें आप उसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकें जैसे जैसे मौसम चेंज हो आप ख़ुद को चेंज कर सकें उसकी सीड्स को एक चीज़ और मैंने बतानी थी कि मोल्टिंग के अंदर जो है आपने क्या करना है कि मोल्टिंग के अंदर जो है सैफ फ्लावर आप मौसम के हिसाब से अपनी फीड को ख़ुद एडजस्ट उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकेंगे इंशाल्लाह असलम जी वेलकम टू इफोबाई नदीम एंड सन्स मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त मोहम्मद अत शाम खान पेश खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो जो है वो हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं फजल रसूल भाई उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम पीजेंस फीड को किस तरह बना सकते हैं और डिफरेंट मौसम्स के अंदर मौसम जैसे जैसे तब्दील होते हैं उसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं उसके अंदर कमी पेशी जो भी करनी है तो इनशाला आज की वीडियो जो है नॉलेज से भरपूर होने वाली है इनशाला आपको मकम्मल गाइड करेंगे और वीडियो कम्प्लीट देखने के बाद आप इस हद तक एब uh, एबल हो गए होंगे नॉलेजेबल हो चुके होंगे कि आप मौसम के हिसाब से अपनी फीड को ख़ुद एडजस्ट उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकेंगे इन तो so, जी कोई भी सीड मिक्सचर हो किसी भी परिंदे का हो ठीक है इंसानों की भी मिसाल ले सकते हैं हम क्योंकि हर चीज़ की एक बेस होती है जिसके ऊपर कोई चीज़ बुनियाद खड़ी की जाती है इसी तरह फीड के अंदर भी एक बेस है जैसे हम जो है खुराक खाते हैं तो खुराक के अंदर हमारी दो चीज़ें एज आ बेस यूज़ होती हैं या तो हम चावल के साथ कुछ ना कुछ लेते हैं या हम रोटी के साथ कुछ ना कुछ लेते हैं तो ये दो चीज़ें यानी रोटी के अंदर हमारी गंदम आ जाती है और चावल के अंदर राइस तो ये दो चीज़ें जो हैं हमारी खुराक की बेस होती हैं इसी तरह कबूतरों की खुराक के अंदर तीन चीज़ें हैं जो कि एज़ अ बेस यूज़ होती हैं यानी वो उनकी बुनियाद बनाती हैं उसके ऊपर जो है हम दूसरे इन्ग्रीडियट्स डालते हैं तो ये तीन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस हैं एक होती है हमारे पास कॉर्न दूसरी होती है हमारे पास वीट और तीसरी होती है हमारे पास सूरगम कॉर्न मतलब के मकई वीट मतलब के और सूरगम मतलब के जवार रेड और वाइट कलर दोनों में आती है आप कोई भी यूज कर सकते हैं वाइट प्रेफरेबली ज़्यादा यूज की जाती है जी बेस जो है वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्योंकि इनके अंदर मैक्सिमम क्वान्टिटी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की होती है इसके अलावा अगर हम प्रोटीन्स की तरफ जाए तो प्रोटीन्स हमारे पास जो सोर्स मैक्सिमम सोर्स होता है दूसरी इंग्रेडियंट्स भी होते हैं जो हमारे पास मेजर सोर्स आएगा उसको कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास पीस के अंदर जो है वो प्रोटीन आता है प्रोटीन के अंदर हमारे पास सब डिविजन्स जो हमारे पास ग्रेन्स आएंगे उनके अंदर पीस आ जाएगा और चने आ जाएंगे काले चने ग्राम उनको जो है वो ब्रिक वाले आपने लेने हैं जो कि छोटे आपको मिल जाते हैं परिंदों वाली दुकान से मोटा वाला नहीं लेना वो मोटा आपका परिंदा खाएगा ही नहीं तो प्रोटीन के अंदर हमारे पास सोयाबीन होता है मूँगी होती है और मोंट होते हैं इसके अलावा दूसरी साइड पर हम फैट्स की तरफ चले जाएँ तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इनके अंदर सैफ फ्लावर हैं यानी सूरजमुखी आ... करतुम के नाम से बिकती है वाइट कलर का सूरजमुखी की तरह का बीज होता है सनफ्लावर होता है जो कि काले रंग सूरज का सूरजमुखी का बीज होता है इसके अलावा सरों होती है यानी सरसों का बीज जिससे सरसों का तेल निकलता है हेम्प सीड्स होते हैं यानी भंग के बीज तो अब आपको मैं तो एक तो फार्मूला बता दूंगा कि आपने क्या क्या ऐड करना है क्योंकि सब भाइयों के लिए ज़रा मुश्किल होगा कि वो खुद बनाएं तो मैं इनशाला आपको गाइड करता जाऊँगा आपके जो है वो पेज और पेंसिल पकड़ लेनी है ताकि जो है आप उसे लिखते जाएँ मैं इनशाला साथ साथ वीडियो के ऊपर भी लिखता जाऊँगा एक तो आपको पूरा फार्मूला स्केच फॉर्म के अंदर बना के दे दूंगा दूसरा उससे पहले मैंने आपसे वादा किया था कि आपको इस तरह की फीड बनाना सिखाऊंगा कि आप खुद बनाना सीख सकें आप उसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकें जैसे जैसे मौसम चेंज हो आप खुद को चेंज कर सकें उसकी सीड्स को तो जी मूँगी और मोन्ठ आ जाते हैं ये होते हैं नेचर में गर्म तो आपने जो है इन्हें गर्मी के अंदर कम कर देना है और सर्दियों में बढ़ा देना है इसी तरह आप दूसरी साइड पर फैट्स की तरफ चले जाएँ तो आपके पास फैट्स में सैफ फ्लावर और सन फ्लावर आ जाता है तो ये सीड्स सैफ फ्लावर कुतुम और सूरजमुखी के बीज तो ये जो है गर्मी की तरफ लेके जाते यानी गर्म सीड्स होते हैं इनकी नेचर तासीर गर्म होती है तो आपने जो है गर्मियों के अंदर इनको कम कर देना है और सर्दियों में इनको बढ़ा देना है सिमिलरली सरसों का बीज और हेम्स सीड जो है इनको तासीर में ठंडा समझा जाता है हेम सीड के मतलब मुतलिक जो है वो डाउट है पंसारी ज़रात जो है वो उसे गरम कंसीडर करते हैं लेकिन जो दानों वाले हैं वो उन्हें ठंडा कंसीडर करते हैं या वॉइस वर्सा लेकिन इसके अंदर डाउट है इसको कंसीडर लेकिन मैं जो है इसे ठंडा समझ के कंसीडर करता हूँ भंग के बीच और आपके पास सरसों सरसों तो कन्फर्म ठंडी है ठीक है तो करसों सरसों जो है वो आपने सर्दियों में बढ़ा देनी है और गर्मियों में कम कर देनी है गर्मियों में बढ़ा देनी है सॉरी सर्द में आपने कम कर देनी है और आपके पास एक चीज और मैंने बतानी थी कि मोल्टिंग के अंदर जो है आपने क्या करना है कि मोल्टिंग के अंदर जो है सैफ फ्लावर आपके यानी कुर्तुम का बीज बहुत ज़्यादा काम करेगा आपने एक तो फैटी सीड्स जितने हैं वो ज़्यादा कर देने हैं मोल्टिंग से सीज़न में जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है तो इसके अंदर आपने जो है ना ये सैफ फ्लावर सूरजमुखी और इस तरह के सीड्स ज़्यादा कर देने हैं सैफ फ्लावर ख़ास तौर पे ज़्यादा करना ही आपके फीदर्स के अंदर शाइन लेके आता है तो इसके अलावा अब चलते हैं फार्मूला की तरफ जो कि एक बना बनाया फार्मूला है उसके अंदर बस आपने एडजस्टमेंट करनी है जैसे मैंने आपको बताया आप उस तरह एडजस्टमेंट कर लीजिएगा तो इनशाला आपका जो है वो फार्मूला मौसम के लिहाज से एडजस्ट होता जाएगा तो जी आपका जो बना बनाया फार्मूला आपको मैं दे रहा हूँ उसके अंदर जो है पहले बेस सीड्स की बात करेंगे फिर प्रोटीन सीड की बात करेंगे और फिर जो है वो फैट सीड की बात करेंगे और टोटल मेल मिला के जो है ये आपके पास एक पूरा बेस बन जाएगी पूरा एक फार्मूला बन जाएगा जो कि आप यूज़ कर सकेंगे ठीक है ये सौ किलो सीड बनाने का मैं फार्मूला बता रहा हूँ आप इसको डिवाइड कर लेंगे टेन के साथ तो आपको दस किलो बनाने का भी आ जाएगा लेकिन दस किलो बनाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर इन्ग्रीडियंट ऊपर नीचे होके होता है तो वो वेइंग करने में ज़रा मुश्किल हो जाती है तो सौ किलो इजीली आपका बन जाएगा उसके अंदर जो है वेइंग करना ज़रा फॉर्मूला के अंदर जो है वीट फिफ्टीन क्राम किलोग्राम्स ले लेनी है पंद्रह किलो आपने गंदम ले, ले लेनी है दस किलो आपने मकई ले लेनी है और 10 किलो जो है आपने जवार ले लेनी है ठीक है ये आपके बेस सीड्स हो गए हैं जो कि आपको आपके इसके ऊपर जो है आपके बाकी ग्रेन्स डलेंगे और आपकी फ़ीड तैयार होगी ठीक हो गया पच्चीस किलो जो है आपने मटर लेने हैं ये प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे दस किलो आपने चना लेना है और पाँच किलो जो है सोयाबीन लेना है सोयाबीन को कोशिश करें अगर हर्ड मिल जाए यानी उसका छिलका उतरा हुआ मिल जाए तो बेहतरीन है नहीं मिलता तो आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन हर्ड जो जिसका छिलका उतरा हुआ हो तो उसकी डाइजेशन इजी होती है यानी परिंदा जल्दी हजम हाँ कर लेता है ठीक हो गया इसके अलावा जो जो है आपने फ्लावर यानी का बीज वाइट कलर का होता है तस्वीरें आपके चल रही होंगी यहाँ पे 16 किलो वो ले लेना है वो आपका पाँच किलो आएगा और हेम्प सीड जो है यानी भंग के बीज आपके जो है दो किलो आएंगे और सरसों जो है आपकी दो किलो आएगी तो ये जी आपका सौ किलो का फार्मूला बन जाएगा आपने इसको यूज करना है और इसके अलावा जो है आपको मैं बता दिया कि इसके अंदर जो है मौसम एडजस्टमेंट किस तरह होगी कौन कौन से सीड्स आपने अपन नीचे करने हैं तो आपके जो है मौसम की एडजस्टमेंट हो जाएगी ठीक हो गया इसके अलावा आप राइस डालना चाहें यानी चावल डालना चाहें तो डाल सकते हैं चावल जो है कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है लेकिन मेरे बर्ड्स उसे प्रेफर नहीं करते तो इसलिए मैं नहीं डालता अपने परिंदों में बाकी मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो इनशाला मैं लेके आऊँगा आस्ट्रेलियन जो ये न्यूट्रिशनिस्ट मैंने आपको बताए थे तो इनका जो है एक सजेस्टेड फार्मूला है बेहतरीन किस्म का वो इनशाला आपको बनाना सिखाऊंगा जो कि एक प्रॉपर नुस्खा है और बेहतरीन किस्म का है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड है लेकिन आपके बर्ड्स की पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होगी बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़